गाइस तो उसमें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के बच्चों के 6:30, क्या चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। बहुत सुहावना मौसम है, हम लोग जा रहे थे एक बहुत सुंदर जगह रहने वाटरफॉल, चलते हैं आपकी तरफ। सुबह से घूमने का मन हो गया, हम चले घूमते क्योंकि टाइम वेस्ट करें, चलिए गाइस चलते हैं फिर रहने वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह व्यू बहुत सुंदर आएगा। उसके बाद फिर चलेंगे पूरा खजुराहो विजिट करने के लिए। अभी चलते हैं रनिंग वाटरफॉल, चलिए गाइस चलते हैं रनिंग वाटरफॉल। हाँ गाइस, फाइनली हम लोग आ गए रिने वाटरफॉल, जो आपको दिखाते हैं रिने वाटरफॉल। बहुत ही मस्त आवाज़ आ रही है गाइस, बहुत ही बढ़िया। देखो पीछे लिखा होगा रिने वाटरफॉल लिखा है पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू। चलिए सुबह की इतनी सूरज की इतनी अच्छी रोशनी आ रही है, बहुत ही सुंदर। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं अच्छे सुंदर वाटरफॉल के साथ गाइस, चलिए। गाइस बहुत ही सुंदर आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए आप कितना सुंदर पानी गिर रहा है वहाँ से उसमें। ये है स्नेह रने है वाटरफॉल, ये नदी है केन जो पूर्व से पश्चिम तरफ जाती है। बहुत सुंदर व्यू है, आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू है मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा है वाटरफॉल, और वीडियो को शेयर करें, और मेरे अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस चलते हैं आगे वाटरफॉल की और करीब। गाइस इतना अच्छा फील हो रहा है, अब जो फीलिंग तो मैं अब आपसे शेयर नहीं कर सकता कि मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, कि मैं अंदर जो अंदर फील कर रहा हूँ यहाँ का व्यू। इतनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सुंदर आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत देखने में, बहुत सुंदर व्यू है। आप कभी भी आएँ तो खजुराहो से रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है, अगर आएँ तो मेन खजुराहो से ये है 25 किलोमीटर दूर है रने है वाटरफॉल, यहाँ विजिट ज़रूर करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। अगर चलते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको वहाँ बना हुआ है, वहाँ चलते हैं। चलिए गाइस गाइस, हम वाटरफॉल से घर आ चुके थे, मतलब होटल आ चुके थे। होटल आने के बाद हम लोग नहाया, फ्रेश हो गया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अब जा रहे हैं सीधा टेंपल की तरफ। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिए ऐसे ही, पीछे देख रहे कितने यहाँ होटल में कितने सारे सुंदर फूल थे, मैं आप थोड़ा सा दिखाएं, मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, थोड़ा सा गार्डन है, गार्डन के बाहर आ गए थे। होटल भी अच्छा है, होटल का नाम है होटल चंदेला, अगर कभी भी आएँ तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, बहुत अच्छा होटल है।
तो गाइस चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ सीधा सा टेम्पल। चलिए गाड़ी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं अभी टेम्पल की तरफ। चलिए गाइस। तो गाइस अभी हम आ जाएंगे टेम्पल के एंट्री पे, तो यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा पीछे, वो टिकट लेते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। लंबी लाइन लगी है टिकट के लिए, ऑनलाइन टिकट हो रहे हैं, देखते हैं बार कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट करते हैं। तो गाइस टिकट ले लिया है, ऑनलाइन टिकट किया, 35 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगा है। अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी जाएंगे मंदिर के अंदर, पूरा फोर्ट घूमेंगे। चलिए गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस जैसा कि आपने देखना अभी हमने वेट कर लिया है लक्ष्मण मंदिर, हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ पीछे, वहाँ पर वहाँ और मंदिर हैं, वहाँ बहुत सारे, तो हम जा रहे हैं। यहाँ पर ये था लक्ष्मी मंदिर, वो है रावण मंदिर, तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। गाइस बने रहिए और देखते रहिए। गाइस अभी आ गए हैं कंदरिया महादेव मंदिर, चलते हैं अंदर की तरफ। ये सामने बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ये है कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए महादेव जी का मंदिर है, जय भोले की, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ब्लॉग। गाइस तो अभी तीसरे मंदिर आ चुके हैं, जगदम्बी मंदिर, तो वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है अभी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, तो वहाँ से एंट्रेंस यहाँ से है, अभी यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ से आए थे। ये पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं जगदम्बी मंदिर, चलते हैं अंदर जगदम्बी मंदिर के अंदर। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें इतनी मेहनत के लिए। गाइस बने रहे मेरे साथ। गाइस ये है चित्रगुप्त मंदिर हमारे पीछे है, चलते हैं चित्रगुप्त मंदिर अंदर की तरफ। चलिए गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पर 5 मंदिर घूमने के बाद अभी लास्ट आखिरी मंदिर बचा है जो हमारे इस तरफ है, वहाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत लंबे चौड़े में है ये मंदिर, बहुत सारे मंदिर, काफ़ी सुंदर सुंदर, काफ़ी क्राउड भी है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत सुंदर है, नेक्स्ट लेवल एकदम।
नेक्स्ट लेवल, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये मेरे पीछे है महादेव टेम्पल, ये है नंदी टेम्पल। चलिए आपको दिखाते हैं दोनों, महादेव और नंदी टेम्पल। बढ़िया, यहाँ पर कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रहा है बच्चों का। बच्चे बहुत सारे ड्राइंग्स भी बना रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है कोई स्कूल का, यहाँ बच्चे ड्राइंग भी बना रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। गाइस सारे मंदिर अभी घूम लिए हैं, बहुत ही शांति है यहाँ पर भाई। गाइस बहुत सफाई है, पूरी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है। आप कभी भी आएँ, बहुत अच्छे बढ़िया स्थान है यहाँ पर, पूरा घूमें विजिट करें। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं हर तरफ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं, काफ़ी एरिया में बना हुआ है, काफ़ी कुछ नहीं तो कम से कम 2 किलोमीटर एरिया में बना होगा ये पूरा। अगर देखेंगे हम तो अच्छे से आएँ, काफ़ी समय निकाल के आएँ, पूरे 2 दिन में आप पूरा विजिट कर सकते हैं। वाटरफॉल तो आपने देख लिया, मंदिर सारे देख लिए, देखते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट भी है बढ़िया, देखते हैं अगर वापस जाते हैं तो बताएंगे आपको। चलिए चलते हैं अपने होटल की तरफ, मिलते हैं आपको होटल में। तो गाइस अभी आ चुके हैं रूम में, बहुत थक गए हैं गाइस, थोड़ा सो लेते हैं, मिलते हैं आपसे। यहाँ से निकलेंगे अभी, हम निकलेंगे यहाँ से 3 बजे करीब निकलेंगे, चलेंगे घर के लिए। तो गाइस सोते हैं थोड़ा सा। A few moments later. हाँ गाइस अभी आ चुके थे घर पे, अब पूछेंगे कि घर कैसे आ गए। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, मेरे डाटा केवल वही खराब, तो फोन चार्ज नहीं हो पाया, तो मैं रास्ते की मेमोरी आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन रात के बज चुके हैं 9:30, तो मैं घर पे आ चुका था। वहाँ से निकले थे हम करीब 5 बजे निकले थे, 5 बजे आराम से 5:30 बजे यहाँ पर आ चुके हैं, 9:30 बजे तक आ गए। अभी करता हूँ मैं एडिटिंग, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको जितिन जैक्सन, जय हिंद जय भारत।